शादी से पहले ही अमेरिका में मान्यता लेने पहुंचे प्रियंका ने कोर्ट में लगाई अर्जी। बॉलीवुड अभिनेत्री प्रियंका चोपड़ा इन दिनों अपनी शादी को लेकर सुर्खियों में छाई हुई हैं। वह अगले महीने की शुरुआत में अमेरिकन सिंगर निक जोनस से शादी करने वाली हैं। बीती अगस्त को इस स्टार कपल ने सगाई और रोका कर अपने फैंस को हैरान कर दिया था। अब शादी से पहले प्रियंका चोपड़ा और निक जोनस की से जुड़ी एक और बड़ी खबर सामने आ रही है। मीडिया में चल रही खबरों की माने तो प्रियंका चोपड़ा और निक जोनस अपनी शादी केवल भारतीय रीति रिवाज से नहीं बल्कि अमेरिका में इसको कानूनी मान्यता भी देना चाहते हैं। गौरतलब है कि हाल ही में इन दोनों कैलिफोर्निया के बेवरली हिल्स कोर्ट के बाहर देखा गया था। कहा जा रहा है कि दोनों रजिस्ट्रेशन के लिए यहाँ आए और दोनों ने रजिस्ट्रेशन कराया। बताया जा रहा है कि प्रियंका चोपड़ा और निक जोनस भारत में शादी करने के बाद तुरंत अपनी शादी को कानूनी मान्यता भी दे देंगे। खबरों की माने तो यह स्टार कपल 2 दिसंबर राजस्थान के जोधपुर में शादी के बंधन में बंध जाएगा। इन दोनों के घर में 30 नवंबर से शादी की रस्मों रिवाज भी शुरू हो जाएंगे। खबर है कि प्रियंका चोपड़ा और निक जोनस जोधपुर के मेहरानगढ़ किले में शादी करेंगे। हाल ही में प्रियंका चोपड़ा का ब्राइडल शॉवर हुआ। इस बीच खबर है कि उनकी शादी में जिन मेहमानों को बुलाया जा रहा है उनकी लिस्ट तैयार है। यानी बॉलीवुड की देसी गर्ल की शादी के कार्ड अब बंटने लगे हैं। प्रियंका की शादी में बॉलीवुड से कौन कौन सी हस्तियां आने वाली हैं? सूत्र इसकी पूरी जानकारी लाए हैं। इस शाही शादी में कपूर खानदान से लेकर खान सुपरस्टार्स नजर आने वाले हैं। एक सूत्र की माने तो प्रियंका ने अपनी शादी का न्योता बॉलीवुड के दबंग सलमान खान को खास तौर से भेजा है। सूत्र ने जानकारी दी है कि सलमान के साथ साथ उनके पूरे परिवार जैसे कि अर्पिता, आयुष, अरबाज खान, सोहेल, सीमा, अल्विरा, अतुल अग्निहोत्री और सलीम को भी प्रियंका ने अपनी ग्रैंड शादी में शामिल होने के लिए निमंत्रण कार्ड भेजा है।